तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ त्रिनिदाद T20 लीग का जो आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का भाई सातवां मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा यहाँ पर पावरजन पैनल SC वर्सेज QPCC1 के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वही अगर बात करें अभी तक जो 6 मैच खेले गए हैं ना यहाँ पर त्रिनिदाद T10 लीग के, 6 के 6 मैच आपको अल्ट्रा क्लीन दिया भाई। रिजल्ट आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें यहां पर मैच की, तो मैच काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि दोनों टीम्स अपना लास्ट मैच विन करके आ रहे हैं। एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, बैटिंग ऑर्डर आपको बताऊंगा, 4 ओवर कौन से गेंदबाज डालेंगे वो बताऊंगा, सारी चीजें बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो कंप्लीट एंड तक देखनी ही देखनी है। वही अगर बात करें डेट एंड टाइमिंग की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 8 तारीख यानी कि आज मैच खेला जाएगा। मैच खेला जाएगा भाई 6 रात को 8:30 पर, और अभी भाई 6 बजने वाले हैं, तो लगभग भाई 2 घंटे 30 मिनट बाद मैच खेला जाना है। जब भी भाई आपको वीडियो मिले ना, वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर वीडियो कंप्लीट देखते हो ना, तो ये मान लीजिए कि आपके लॉस होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहेंगे। वहीं अगर बात करें वेन्यू की, तो भाई नेशनल क्रिकेट सेंटर त्रिनिदाद वेस्ट इंडीज में मैच खेला जाएगा, और सारी की सारी लीग भाई यहीं पे सेम ग्राउंड पर खेली जानी है। वहीं अगर बात करें पिच रिपोर्ट की, तो बैलेंस्ड विकेट है भाई यहां पर, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प होने वाली है। बॉलर्स को भाई स्टार्टिंग के ओवर में थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है, और सेकंड इनिंग में बैट्समैन को थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है। यह चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेनी है, क्योंकि इस चीज़ का आपको फायदा मिलने वाला है। वो कैसे और क्यों आपको बताऊंगा, क्योंकि जो 6 मैच मैंने विन करवाए हैं ना, वो इसीलिए विन करवाए हैं क्योंकि भाई यहाँ पर मैंने ये चीज़ नोटिस की और इस चीज़ को फॉलो किया। यहाँ पर अगर बात करें टेलीग्राम चैनल का, तो टेलीग्राम चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। सबसे ईजी और बेस्ट वे है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। बट डिस्क्रिप्शन वाला बेस्ट वे सर्च करोगे तो भाई आपको फेक चैनल भी मिल सकते हैं, आप किसी फ्रॉड के चक्कर में भी फंस सकते हो। लेकिन भाई यहां पर अगर आप डिस्क्रिप्शन से जाओगे, तो भाई आप सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर पहुंचोगे, जहां पर भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी मैचेस की फाइनल टीम, जो भी मैच मैं कवर करूंगा उन सभी की फाइनल टीम आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। यहां पर अगर बात करें सर्च करने की, तो यूजर नेम आप देख सकते हो @KPM321, मैं आपको एक बार सर्च करके भी यहां से दिखा देता हूं। तो जैसे आप टेलीग्राम ओपन करोगे, तो टेलीग्राम पर भाई आपको सर्च कैसे करना है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार यहाँ पर जैसे आप सर्च के आइकन पर क्लिक करोगे ना, आपको सिंपली सर्च करना है @KPM321, सिंपली बस आपको इतना लिखना है और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अब देखिए भाई नीचे आपको ये फेक चैनल भी दिखाई देंगे, लेकिन जो टॉप वाला चैनल है वही हमारा रहेगा, और सेम आपको यही यूजर नेम डालना है तभी आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए नीचे आपको 321/1 करके एक और चैनल भी आ रखा है, तो ये चीज़ें भाई आपको यहाँ से अवॉइड करनी है। और जो हमारा फाइनल टीम है वो भाई आपको हमारे इसी चैनल पर मिलने वाली है, ऊपर वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहाँ से जो आगे कुछ स्टैट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर बात करेंगे एवरेज स्कोर की, तो 147-160 के बीच में एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दोनों टीम्स ने एक एक मैच ही खेला है और दोनों टीम अपना मैच विन करके आ रही है। वेन्यू की अगर रिकॉर्ड्स की बात करें, तो टोटल जो 6 मैच खेले गए हैं इसमें से भाई 5 इनिंग में बैटिंग सेकेंड, 5 मैच में बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने विनिंग की है। यानी कि जो भी टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आ रही है वही टीम मैच विन कर रही है। सिर्फ एक मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया, वो भी बिल्कुल लास्ट वाला। अब चलिए भाई दोनों टीम्स के लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस देख लेते हैं एक बार, ताकि हमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना बचे। तो ये सारी चीज़ें भाई आपको अभी की अभी सारी चीज़ें मैं कवर करके दे दूंगा। PPSC की बात करें, तो यहाँ पर यानी कि पावर जैन पैनल SC की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भाई अपना लास्ट मैच विन करके आ रहे हैं 3 विकेट से, सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते टाइम विन किया था। पहले इनकी बैटिंग की बात करेंगे, तो स्टीवन काटवारू के साथ भाई विदेश सूखा आपको ओपनिंग करते दिखेंगे। स्टीवन काटवारू लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन भाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। पहली बार तो ओपनिंग कर रहा है, और ऊपर से विकेट कीपिंग करेगा तो विकेट कीपिंग के पॉइंट मिलेंगे। विदेश सुखा की बात करें, तो 39 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा इवार्ट निकोलसन जल्दी आउट हो गए थे। यहां से जैसन मोहम्मद गजब का प्लेयर है, हमारा VC था, बैटिंग करेगा प्लस बॉलिंग भी आपको करके दे सकता है, यहां से आप ट्राई जरूर से कीजिएगा। 29 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा अगर बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए जो उत्तमन मोहम्मद है, एक तरफा विनिंग भाई इसकी तरफ से हमने किया, किसी की भी टीम के किसी भी मेरे ओपोनेंट, मैंने 6 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे, 6 के 6 मैंने विन किए थे। रिजल्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया था, ठीक है, जाके आप देख सकते हो। अकील कूपर आए थे भाई यहाँ पर नंबर 5 पर। इसके अलावा नंबर 6 पर आए भाई जेरलानी सील्स। यहाँ पर उत्तमन मोहम्मद से आप हर मैच में ऐसी इनिंग की उम्मीद नहीं करो, क्योंकि भाई मोस्टली बॉलिंग का काम इनका मेन है, बट बैटिंग में परफॉर्मेंस दे दी। वहीं अगर बात करें अंशिल बागान की, तो इन्होंने भाई 17 रन बनाए। शारोन लेविस ने यहाँ पर 1 रन बनाया।
बनाया। वहीं अगर इनकी बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए भाई, उत्तमन मोहम्मद ने 2 विकेट भी यहाँ से निकाले। इसके अलावा जो जेरलन सील से नंबर 6 पर बैटिंग करेगा, प्लस भाई 4 ओवर की गेंदबाजी, यहाँ पर भाई 2 विकेट भी निकाले। जैसन मोहम्मद ने 2 ओवर डाले, हालांकि विकेटलेस गए। इसके अलावा भाई कावेश कांता सिंह की बात करें तो 2 ओवर इन्होंने डाले, सॉरी 4 ओवर इन्होंने डाले, विकेटलेस गए। शार्लोन लेविस की बात करें तो 2 ओवर में 20 रन दिए, यहाँ से भाई ये भी यहाँ से विकेटलेस गए। इसके अलावा अंशिल बागान, यहाँ पर भाई 4 ओवर में 1 विकेट इन्होंने भी निकाला था। वहीं अगर बात करें QPCC की टीम की, तो यहाँ पर भाई सबसे पहले बात करेंगे QPCC की, जो मतलब इन्होंने अपना मैच विन किया, तो इनकी तरफ से भाई जो ओपनिंग करने आए थे ना, वो आए थे भाई टियोन वेबस्टर, इसके साथ भाई ईसीआर राजा के बारे में मैंने लास्ट, आप मेरी वीडियो जाके देखो, मैंने क्लियरली बोला था काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड प्लेयर है, और आप इसको GL में कैप्टन जरूर से कीजिएगा, जिसने किया होगा एक तरफा विनिंग की होगी। डैरन ब्राव हमारी टीम में थे, टियोन वेबस्टर हमारे कैप्टन थे, ठीक है। दोनों ने भाई काफी अच्छी नोक खेली, एक तरफा विनिंग की तरफ हमें लेके गए थे। वहीं अगर बात करें गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में भाई यहां पर आप देखिए, जो वाई कैरिया, इन्होंने 4 ओवर में 3 विकेट निकाले। इसके अलावा अकील हुसैन 4 ओवर में 1 विकेट इन्होंने निकाला 20 रन देकर। इसके अलावा भाई जो एंडरसन फिलिप है, 2 ओवर में 15 रन दिए, 1 विकेट निकाला। डैरन ब्राव ने भी बॉलिंग करवाई भाई यहां पर, 3 ओवर में 1 विकेट इन्होंने निकाला। ब्रायन चार्ल्स की बात करें तो 2 ओवर में 13 रन दिए, विकेटलेस गए। टियोन वेबस्टर ने 2 ओवर में 1 विकेट निकाला। क्रिस्टोफर विंसेंट की बात करें तो 2 ओवर डाले, 1 विकेट निकाला। अब यहां से मोस्ट प्रोबेबली आपको ओवर कौन डालते दिखेंगे, 4-4 ओवर आप यहां पर देख रहे होंगे कि 4 ओवर यानी कैरियर ने डाले, और यहां पर अकील हुसैन आपको हर मैच में 4 ओवर डालते नजर आएंगे। इसके अलावा भाई यहां पर क्रिस्टोफर विंसेंट के पूरे चांसेस है कि ये भी अपने ओवर कंप्लीट करते नजर आ सकते हैं। यहां पर देखिए सामने वाली टीम बिल्कुल ही एक तरह से धराशायी हो गई थी, इसीलिए भाई इन्होंने अपने ज्यादा बॉलर्स को उतारा। अदरवाइज जो इनके मेन बॉलर्स की अगर बात करें, जो हर मैच में आपको बॉलिंग करते दिखेंगे, अकील हुसैन आपको दिखेंगे, एंडरसन फिलिप शायद दिखे शायद ना दिखे, डैरन ब्राव भाई दिखे ना दिखे कुछ नहीं पता, ब्रायन चार्ल्स आपको हर मैच में बॉलिंग कराते दिखाएंगे, यानी कि कैरियर हर मैच में बॉलिंग कराएंगे। इसके अलावा टियोन वेबस्टर हर मैच में बॉलिंग कराएंगे, और क्रिस्टोफर विंसेंट है, ठीक है। तो ऐसे अगर 5 बॉलर बताऊं तो मैं ऐसे क्रिस्टोफर विंसेंट, टियोन वेबस्टर यानी कैरियर, इसके अलावा भाई यहाँ से अकील हुसैन और एंडरसन फिलिप, ये 5 रहेंगे, और यहाँ से ब्रायन चार्ल्स भी आपको दिखेंगे, 6 इनके मेन बॉलर है। इसके अलावा भाई जो रिवाल्डो रामलोगन है इस, और यहाँ से डैरन ब्राव, ये भाई आपको मोस्टली मैचेज में काफ़ी कम ओवर यहाँ से डालते नजर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वहीं अगर आप बात करें डेमो टीम की, तो डेमो टीम मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले भाई एक चीज मैं आपको बार बार बोलता हूं, बैटिंग ऑर्डर चेक कर लीजिएगा अकील हुसैन की। हालांकि इस मैच में बैटिंग नहीं आई, क्योंकि ईसीआर राजा ने एक अनएक्सपेक्टेड नोक खेली थी यहाँ पर। ये मोस्टली इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलने के लिए नहीं जाने जाते, रनर बॉल खेलते हैं 130-140 के स्ट्राइक रेट तक जाते हैं, और बट एक साइड से एंकरिंग करते हुए अच्छी खासी नोक ये यहाँ से खेलते नजर आते हैं, ठीक है। अकील हुसैन नंबर 4 पर आ रहा है, एंडरसन फिलिप नंबर 5 पर आपको दिखेगा, इसके अलावा यहाँ पर क्रिस्टोफर विंसेंट नंबर 6-7 पर दिखेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वहीं अगर बात करें जेड गुली, काफ़ी बड़ा प्लेयर है इस मैच में भाई, इसका यूज ही नहीं किया गया, बहुत ही मतलब देख के बुरा लगा, बट भाई काफी बड़ा प्लेयर है। अभी जो रिसेंटली कौन सी विंसी T10 थी, उसमें भाई गजब की परफॉर्मेंस इन्होंने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा खासा GL के लिए ट्रंप प्लेयर हो सकता है, ठीक है। अब चलिए भाई डेमो टीम की बात यहाँ से कर लेते हैं। फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज्वाइन आपको कैसे करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से कटवारू को अपनी टीम में रखूंगा, डैरन ब्राव को अपनी टीम में रखूंगा, टियोन वेबस्टर को अपनी टीम में रखूंगा। इसके अलावा भाई जेड गुली, लास्ट मैच में भाई काफी ज्यादा सिलेक्शन था, लेकिन भाई प्लेयर भी टैलेंट, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। GL में आप ट्राई कीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। स्मॉल लीग में भी मस्टर्ड पिक रहता, बट भाई अब टीम इसका यूज ही नहीं कर रही, तो क्या ही कर सकते हैं। ई निकोलसन को आप यहां से ट्राई कर सकते हो, अगर करना चाहो तो ईसीआर राजा को आप ट्राई कर सकते हो, फिर आपको ई निकोलसन को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो ऐसे आप इसे ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर वी सुखा की बात करें, वी सुखा भाई बैटिंग ऑर्डर एक बार मैं थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया, एक बार मैं जरूर जाकर देखूंगा कि बैटिंग ऑर्डर इनका क्या था। ओपनिंग कर रहा है भाई 101% हमारी टीम में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें ऑलराउंडर साहब, जैसन मोहम्मद हमारी टीम में रहेगा, इसके अलावा जॉर्डन सील्स हमारी टीम में रहेंगे। नीचे आके भाई आप यहाँ से क्रिस्टोफर विंसेंट को अभी मैं ड्रॉप करूंगा, वाई कैरिया को लूंगा। अगर आप क्रिस्टोफर विंसेंट को लेना चाहो ना, तो फिर भाई आपको यहाँ से ड्रॉप करना पड़ेगा वी सुखा को, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बट अभी के लिए मैं वी सुखा के साथ जा रहा हूं। अकील हुसैन हमारी टीम में रहेंगे, एंडरसन फिलिप हमारी टीम में रहेंगे। इसके अलावा नीचे आके भाई अंशिल बागान को आप ट्राई कर सकते हो, बट उत्तमन मोहम्मद हमारी टीम में ऐसे रहने वाले हैं। तो टीम की अगर बात करें, तो कुछ इस प्रकार की टीम अभी के लिए हमारी होने वाली है। बाकी अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट होगा, तो उसके अपडेट मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। CVC की बात करें, तो कैप्टन हमारे TN वेबस्टर रहेगा। VC आप डैरन ब्राव को भी ले सकते हो, बट मैं ऐसे जैसन मोहम्मद के साथ जा रहा हूं। आप अगर चाहो तो भाई उत्तमन मोहम्मद को भी अपनी टीम में एज ए VC लेके जा सकते हो। यहां से देखिए मैं आपको मार्क कर देता हूं, देखिए मेरे CVC अभी के लिए ये रहेंगे। ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं, तो ऐसे डैरन ब्राव आपके लिए अच्छे खासे ऑप्शन है। इसके अलावा भाई कहां पे गया,
हाँ अकील हुसैन आपके लिए अच्छे खासे ऑप्शन है। स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ, जीएल में भाई यहाँ से ये दोनों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, दोनों अपनी अपनी टीम के लिए ओपनिंग कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से रहने वाले हैं। तो अगर टीम की बात करें तो कुछ इस प्रकार की टीम अभी के लिए हमारी होने वाली है, बाकी अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट होता है तो उसकी डायरेक्ट अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सबसे ईजी और बेस्ट वे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी यहाँ से कर सकते हो @KPM, तीनों लेटर स्मॉल होने चाहिए भाई, 3-2-1, सिंपली बस आपको इतना सर्च करना है और आपको यहाँ से हमारा चैनल मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।